कल्की 2898 27 जून को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का दर्शकों को काफी इंतजार है और ये ट्रेलर आने के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। फिल्म का निर्देशन नाग अश्विन ने किया है। फिल्म को 600 करोड़ के बड़े बजट के साथ तैयार किया गया। ये इंडिया की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। इश्क विश्क रिबाउंड में रोहित सराफ, पश्मीना रोशन, नैला ग्रेवाल और जिब्रान खान प्रमुख भूमिका में नजर आने वाले हैं। ऋतिक रोशन की बहन पश्मीना की ये डेब्यू फिल्म है और डेब्यू फिल्म में ही उन्होंने रोहित सराफ के साथ एक बोल्ड लिपलॉक सीन दिया है। खतरों के खिलाड़ी के सीजन 14 में एक स्टंट के दौरान टीवी एक्टर और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट शालीन भनोट के साथ बड़ा हादसा हो गया। शालीन एक स्टंट कर रहे थे, इस दौरान उन्हें 200 बिच्छुओं के बीच रहना था, मगर इस खतरनाक स्टंट के दौरान मामला उल्टा पड़ गया और उन्हें बिच्छुओं ने काट लिया। टीवी के मशहूर एक्टर करण पटेल को कई बार बिग बॉस का ऑफर मिला है, लेकिन करण इस बार इस शो में शामिल होने से इनकार करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में बिग बॉस OTT3 को लेकर करण ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अनिल कपूर के शो के कॉन्सेप्ट पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि इस शो में कोई नयापन नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि दद्दा जी यानी कि संजय गांधी इन दिनों तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। नौबत ये आ गई है कि दोस्तों से उधार मांगकर घर का किराया भरना पड़ रहा है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप बॉलीवुड में अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अनुराग ने अपने डिप्रेशन पर बात की। उन्होंने बताया कि दोस्तों के साथ साथ उनकी बेटी आलिया कश्यप ने भी डिप्रेशन से बाहर आने में उनकी मदद की थी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अब तक अपनी वेडिंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन इससे जुड़ी कई डिटेल सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों 23 जून को रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे, जिसके बाद एक वेडिंग पार्टी होगी। हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद चुने जाने के बाद कंगना रनौत सदगुरु के कोयम्बटूर आश्रम पहुंची। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो सदगुरु का आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने ईशा फाउंडेशन सेंटर को अपना हैप्पी प्लेस भी बताया। वेब सीरीज पंचायत का सीजन 3 इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस बीच खबरें हैं कि सीरीज में सचिव जी यानी कि अभिषेक त्रिपाठी का किरदार निभाने वाले जितेंद्र कुमार इस सीजन के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। खबरों के मुताबिक उन्हें एक एपिसोड के लिए 70,000 रुपए मिले। प्रियंका चोपड़ा के जेठ और रामदिक जोनस के भाई केविन जोनस को स्किन कैंसर हो गया है। केविन ने हॉस्पिटल से अपना एक वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं सुपरफास्ट।